दोस्तों, इस पौधे को देखिए, कोई इसे पारिजात, कोई हरसिंगर, कोई शिवली और कोई रातरानी भी कहते हैं। ये पारिजात का पेड़ आपको किसी भी बाग बगीचे में मिल सकता है। इसके फूल अत्यधिक सुगंधित और सफेद रंग के होते हैं। पारिजात या हरसिंगर के फायदे एक दो नहीं बल्कि बहुत सारे हैं। आइए जानते हैं कि हरसिंगर का पौधा औषधीय रूप से किस किस रोग के लिए काम में लाया जा सकता है, इसका प्रयोग की मात्रा कितना होना चाहिए और इसकी विधियां क्या है। लेकिन उससे पहले, अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो फटाफट मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी ऑल पे सेट कर दीजिए, ताकि इस तरीके का और भी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। दोस्तों, आजकल गंजापन एक आम समस्या बन चुकी है। पुरुष और महिलाएं दोनों ही गंजेपन की समस्या से परेशान हैं। हरसिंगर के बीजों का पेस्ट बनाकर अगर इसे सिर पर लगा सकते हो तो इससे आपका गंजेपन की परेशानी में भी लाभ मिलेगा। अनेकों लोग बालों में रूसी की समस्या से भी परेशान होते हैं। आप हरसिंगर के फायदे से रूसी को भी ठीक कर सकते हो। पारिजात का पेड़ डायबिटीज में बहुत लाभदायक होता है। पारिजात का पेड़ से आप 6 से 7 पत्तियां तोड़ लीजिए, उसे 1 ग्लास पानी में उबाल लीजिए। पानी जब आधा ग्लास बच जाए तब उस पानी को आप पी लीजिए। इससे डायबिटीज रोग में लाभ होता है। पारिजात के गुण से गठिया की बीमारी भी ठीक हो सकती है। पारिजात के जड़ का काढ़ा बनाएं, इसे 10 से 30 मिली की मात्रा में सेवन करें। इससे गठिया में फायदा होता है। प्रतिदिन सुबह खाली पेट पिए। नियमित रूप से इसका सेवन करने से जोड़ों से संबंधित अन्य समस्याएं भी समाप्त हो जाएगी। इसके अलावा भी हरसिंगर के पत्ते को पीस कर गुनगुना करके आप लेप बना ले। इस लेप को घुटने पे लगाने से जोड़ों के दर्द में बहुत फायदा मिलता है। किसी भी प्रकार के बुखार में हरसिंगर की पत्तियों की चाय पीना बेहद लाभदायक होता है। डेंगू से लेकर मलेरिया या फिर चिकनगुनिया तक हर तरह के बुखार को खत्म करने की क्षमता इसमें होती है। दोस्तों, खांसी हो या सूखी खांसी, हरसिंगर के पत्ते को पानी में उबालकर पीने से बिल्कुल खत्म की जा सकती है। आप चाहे तो इसे सामान्य चाय में उबालकर भी पी सकते हैं, या फिर इसके 2-4 पत्ते को पीस के 1 चम्मच शहद मिलाकर भी खा सकते हैं। हृदय रोगों के लिए भी हरसिंगर का प्रयोग बेहद लाभकारी है। इसके 15 से 20 फूले या इसके रस का सेवन करना हृदय रोग से बचाने में कारगर है। दोस्तों, हाथ, पैरों या मांसपेशियों में दर्द व खिंचाव होने पर हरसिंगर के पत्तों के रस में बराबर मात्रा में अदरक का रस मिलाकर पीने से बहुत फायदा मिलता है। किसी भी तरह की सांस संबंधी रोगों में हरसिंगर की छाल का चूर्ण बनाकर पान के पत्ते में डालकर खाने से लाभ होता है। इसका प्रयोग सुबह और शाम को कीजिए, इससे आपको ज्यादा फायदा मिलेगा। दोस्तों, हरसिंगर के पत्तों का रस या फिर इसकी चाय बनाकर नियमित रूप से पीने पर शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है और शरीर हर प्रकार के रोगों से लड़ने में सक्षम होता है। दाद में भी पारिजात के गुण से लाभ लिया जा सकता है। पारिजात के पत्तों को घिसकर रस निकाल ले, इसको दाद वाले जगह पर लगाए, इससे दाद ठीक होता है। इसके अलावा भी हरसिंगार की पत्तियों को पीस कर लगाने से त्वचा संबंधी हर तरह समस्याएं समाप्त होती है। इसके फूल का पेस्ट बनाकर चेहरे पर लगाने से भी चेहरा उजला और चमकदार हो जाता है। दोस्तों, बच्चे हो या वयस्क, सभी को कई बार पेट में कीड़े की समस्या हो जाती है। हरसिंगार
हर सिंगर के 4 से 5 पत्ते ले लीजिए। उस पत्ते का रस में थोड़ी सी चीनी मिलाकर सेवन करिए। इससे पेट और आंतों में रहने वाले हानिकारक कीड़े खत्म हो जाते हैं। अगर आप बार बार पेशाब करने की परेशानी से ग्रस्त हो तो पारिजात का पेड़ लाभ दिलाएगा। पारिजात के पत्ते, जड़ और फूल का काढ़ा बनाएं। इसे 10 से 30 मिली मात्रा में सेवन करें। इससे बार बार पेशाब करने की परेशानी खत्म हो सकती है। तो दोस्तों, अगर आपको कहीं पर भी ये पेड़ मिल जाए तो आप इसका फायदा जरूर उठाइए। और उम्मीद करती हूँ कि मेरी इस वीडियो के जरिए मैं आपकी कुछ मदद कर सकी। अगर आपको कुछ मदद मिली हो तो मेरी इस वीडियो को एक लाइक जरूर दे दीजिए और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।